आ जाए जी नेक्स्ट डे। अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ और नाश्ता कर लिया, छत पे आया हूँ मैं, कहा मौसम देखें कैसा है। मौसम तो धुंध वाला है आज, हो रहा है धूप नहीं निकली हुई, मौसम ठंडा ही है। ये देख मौसम ठंडा ही है, हल्की हल्की सी धुंध हो रही है और इनको खोला हुआ है, चिंगू मिंगू को खोल दिया, इनको आके अपनी बकरियों को चेक किया माशाल्लाह। ये सफाई होने वाली है बस, बकाया ये रात को कोयले रखे थे, ये आपके सामने है। और माशाल्लाह मेरे जानवर इनको दाना दे गया था मोहम्मद। हाँ जी पानी पीना है, देता हूँ मैं पानी, देता हूँ अपने बच्चे को पानी देता हूँ। ये देखें भाई ऊपर आए थे तो उन्होंने अपना कबूतर अंदर घुसा के ताला लगा दिया था रात को, कह रहे नहीं मैंने नहीं छोड़ने ऐसे अपने कबूतर। बात सही है, सेफ्टी करनी है जानवरों की जैसे भी करनी है, उन्होंने अंदर ही कर दी थी, लेकिन आग लग गई थी, कुछ नहीं होना था, सेक तो हो गया था। और ये जो है ना ये कालू, ये बहुत तेज़ हो गया भाई, बहुत तेज़ हो गया। क्यों? क्योंकि ये ना ये काटने लग गया, ये देखा ये हरकत देखी इसकी, ये अब मैंने कैमरा उसकी तरफ किया आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और ये जो है ना ऐसे एक्शन में खड़ा हो गया। ये खुला हो ना ऊपर कोई भी बच्चा नहीं आ सकता, तो मुझे ये ना सही नहीं है, क्योंकि ऊपर तो घर वाले आ सकते हैं जैसे मर्जी, बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से अब ऊपर कोई नहीं आ सकता, इसको बंद करना पड़ रहा है। पता नहीं क्या हुआ, ऐसे एक दो दिन के अंदर ही ऐसी हरकतें हुई है, लेकिन इसे ना कोई गोश्त खिलाया ना ऐसी कोई चीज़ है, पता नहीं इसके लग रहा है इसके खून में ये ऐसे ही है। इसका जो बाप था वो भी ऐसे ही करता था, कि जब छोटा था कुछ नहीं करता, जैसे ही बड़ा होना शुरू हुआ तो खुद ब खुद ही काटने लग गया, और इसके भी यही हालात है। चलो कोई नहीं, फिर तंदूरी चिकन तो बने ही बने। मैं घर पे बैठा हुआ था तो चाचू का फ़ोन आया है कि भाई जल्दी से नीचे आ। अब मैं नीचे आया हूँ तो मुझे साथ ही कह रहे तू ना मेरे साथ एक जगह पे जाना है। मैंने कहा कहाँ जाना है? कह रहे कहीं जाना है। मैंने कहा बताओ तो सही कहाँ जाना है? कह रहे यार मेरे पास ना आज लड़के की शादी है तो तूने ना मेरे साथ जाना है। उनका है बारबेक्यू का काम। मैंने कहा अच्छा, कह रहे जी मेरे साथ तूने हेल्प करवानी। मैं कहा चलो सही। अब मैं चाचू के साथ पिकअप पे बैठा हूँ, हवा देख रहे हो कि कैसी लग रही है, और पिकअप में बैठ के तो उनके साथ ना मैं जा रहा हूँ। अब उनका जो भी काम है वहाँ पे जाके देखूँगा क्या काम है। अभी तो फिलहाल मुझे कोलों पे बिठाया हुआ है, ये कोले हैं और ये दाल पड़ी है, ये देखे पड़ी है, ये पड़ी हुई है, और मुझे बिठाया हुआ है, अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है अब जाके देखूँगा वहाँ पे जाके मुझसे क्या काम करवाना है, बताया इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा कि आज मैं क्या काम, मेहनत तो मजदूरी वाला काम करने निकला हूँ, आप लोगों को भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अब वहाँ पहुँच के फिर दोबारा मुलाकात होती है। लड़के ने जी आते ही काम शुरू कर दिया, ये चाचू है मेरे, ये मैं अभी परो रहा हूँ, मैं अभी परो रहा हूँ इसको। ठीक है और चाचू ने ये औरत लगा दिए, ये अंगीठी है, ये बारबेक्यू है, ये चाचू है, और ये मैं अब इसको प्रो रहा हूँ, प्रो के फिर उनके साथ लगूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा। ठीक है ले जी, काम हमारा अब ख़त्म होने वाला है, आधे से ज़्यादा खाना चला गया, बस अब ये रह गया माल परोने वाला जो था वो परो दिया। ये कोले जल रहे हैं, ये हमारा छोटा सा सेटअप था। मेरा काम बस यही था कि माल सीखो मैं प्रो के ना दे देना, वो दे दिया मैं फारी, अब उनका काम है वो करेंगे, हम देखेंगे सुकून से बैठ के। अब अभी भी काम ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया तो हम जा रहे हैं वापस घर को, और पिकअप में बैठा हूँ। इतना टाइम नहीं हुआ, यानी कि टाइम हो रहा है इस टाइम 3 बज रहे होंगे या 3:15, 3:15 हो गए। ठीक है 3:15 बजे धुंध देखें कितनी ज़्यादा है, इस टाइम इतनी ज़्यादा धुंध पड़ रही है, धुंध नहीं है ये स्मोक है, ले अब स्मोक है, ये फोक नहीं है स्मोक है, ये स्मोक है ये देखें। तो
और रात को क्या आलम होगा देखें। अभी ये हाल है और रात को क्या होगा पता नहीं। सारे जो काम करते हैं नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड है उनके बेचारों में क्या बीतेगी कैसे होगा वो बहुत परेशान हो। वहाँ से घर आने के बाद फूफो के घर आ गया था तो हम तो अंदर बैठे हंसी मजाक कर रहे थे तो अब अचानक ना बाहर निकली फूफो फूफो बाहर आके देखी मेरी गरी बाहर तो काफ़ी ज़्यादा फोग पड़ी है तू घर कैसे जाएगा रात ही रुक जा। मैंने कहा जितनी मर्जी फोग पड़े मैंने घर जाना है तो अब वही लगे हुए कह रही नहीं तुम यही रुको आज रात तो मैं कह रहा हूँ नहीं मैंने जाना है। अब फूफो चाय बना रही थी ग्रीन टी ये देखें फोग फूफो ग्रीन टी बना रही थी कह रही मैं ग्रीन टी बनाती हूँ तो उतनी देर ना और साथ तेरा बिस्तरा करवाती हूँ तू यहीं पे सोने की ना अपनी तैयारी कर। मैंने कहा मैंने कोई नहीं सोना यहाँ पे मैंने कोई नहीं सोना मैंने चले जाना अपने घर। चाय बन गई उपो वाह पी भी लिया आपने एक ये मेरी चाय आ गई और ये मेरा कज़न बैठा हुआ है ये चाय पी रहा है। उपो ने चाय ना बहुत मज़ेदार बनाई है दिल कर रहा है दो तीन कप वो ऐसे मैं पी जूँ पर एक से मेरा पेट फुल हो गया। ये मेरा कज़न है ये भी मुझे कह रहा था इसने भी मुझे कहा अली भाई ग्रीन टी पीनी है ना मैंने कहा नहीं कह रहा नहीं ग्रीन टी पियो मम्मा के हाथ की आपको मज़ा आएगा। वैसे मुझे फूफो के हाथ के ना सादी चाय का भी बड़ा मज़ा है लेकिन मेरे कज़न मेरे भाई ने मुझे कहा आज आपने ग्रीन टी भी मेरे कहने पर पीनी है तो इसी बात पर चीज अब ना मैं जाने की तैयारी करूँ बाहर निकलूँ अब मुझे ये बात तक छोड़ने आया सुभान और फोक बहुत ज़्यादा है ना फोक बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब निकलें अब मिलते हैं आपको रास्ते में बाहर निकला हूँ मेन रोड पे आया हूँ फोक बहुत ज़्यादा हो रही है देखिए ओए ओए ओए। हालांकि ग्लव्स पहने हुए हैं मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं लेकिन फिर भी सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि हो रही है और फोग की वजह से ना थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल आ रही हैं। चाहे कोई नहीं इंशाल्लाह घर चले अब कैमरे को रखते हैं जेब में अब घर चलते हैं घर जाके फिर वीडियो शूट करेंगे। वहाँ से आने के बाद रात को नींद आ गई थी मैं सो गया था तो आज उठाऊँ आज है नेक्स्ट डे और इसी के साथ अली हसन को दे इजाज़त। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़।